हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी सुबह और वक्त हो रहा है अभी 6:30 बजे। मैं उठी थी, पहले मैंने गेट का ताला खोला, उसके बाद फिर भगवान जी को उठाया। मतलब भगवान जी तो हर जगह ही रहते हैं, पर क्या है कि रात में हम लोग अपने घर में तो मंदिर का पर्दा खींच ही देते हैं। तो बस सुबह उठने के बाद मैंने हाथ मुँह धुलकर उनको पर्दा मतलब खींचा, और फिर वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अभी काढ़ा बनाने के लिए। तो यहाँ उबल रहा है काढ़ा। फिर इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि बच्चों को उठाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा ही। तो बच्चों को उठाने के बाद फिर हम लोग काढ़ा पियेंगे, उसके बाद फिर जो और काम है झाड़ू पोछा वगैरह सब करके, तो उसके बाद आऊँगी मैं किचन में। और किचन में अभी तो फ़िलहाल मैं आई गई हूँ क्योंकि मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था। मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, नहा भी लिया था, उसके बाद मैं आई थी किचन में। ये क्या था कि झाड़ू पोछा बार बार दिखाना अच्छा नहीं लगता कि रोज़ वही झाड़ू पोछा यार दे। तो मैंने कहा चलो वो सब नहीं दिखाते हैं, अब डायरेक्ट मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो बस काढ़ा पीने के बाद नहाना धोना जो भी हुआ उसके बाद मैं आ गई किचन में यहाँ। और किचन में मैं बना रही थी आज आलू गोभी और मटर की भुजिया, और साथ मैंने यहाँ दाल बैठा दी थी। और दाल आज मैंने बनाई थी जो मिक्स दाल बनती है ना, जैसे चने की दाल, फिर रहर, मसूर, मूंग सब मिलाकर। हाँ, मेरे पास उड़द नहीं थी तो मैंने उसको नहीं डाला था, बल्कि जो चार दाल थी उनको सबको डाल के मैंने बनाया था। और फिर उसके बाद यहाँ भुजिया बन जाएगी, साथ ही मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी क्योंकि आजकल काफ़ी लेट हो जा रहा है, ठंड का मौसम है। अब थोड़ा सा भी देर उठो तो फिर सारे काम करते करते लेट ही हो जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा चलो आज फटाफट करती हूँ, तो बस सारा जो भी सुबह का था उसको निपटा मैं फटाफट मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर क्लास शुरू हो जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। और वैसे भी टेस्ट चल रहा है अभी का, तो पहले टेस्ट चलेगा उसका 8:30 बजे से आधा घंटा 9 बजे तक टाइम रहता है, तब तो मैं सोचे फटाफट बना लूँ ताकि फिर उसके बाद नाश्ता हो जाएगा, फिर 11 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इसलिए मैंने फटाफट यहाँ बना लिया है, और साथ ही मैं रोटियाँ भी यहाँ सेक लूँगी ताकि फिर तुरंत हम लोग फिर नाश्ता कर लेंगे। और ऑनलाइन क्लास तो यार समझ में ही नहीं आती है आजकल, क्योंकि टाइमिंग तो उनकी कोई फिक्स ही नहीं है। कभी मॉर्निंग में चलाते हैं, कभी दोपहर में चलाते हैं। अब जैसे क्लास का है कि अभी कभी क्लास चलेगी 11 से 12, कभी चलेगी शाम को 4 से 5। तो मतलब क्लास की वजह से तो पूरा आपका जो दिन में का रूटीन है वो ही गड़बड़ हो जा रहा है कि आप कैसे क्या मतलब कि नाश्ता पानी का आप टाइम सही करो। तो खैर, यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली हैं और सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर अब मैं हरी धनिया डाल देती हूँ जो मैंने पहले से काट के रखी थी। और सर्दियों की सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी लगती है ना, बिल्कुल हरी हरी सी कलरफुल दिख रही हैं। तो बस यहाँ मैं अब थोड़ा सा रोटी में घी लगा दे रही हूँ, जो कि सर्दियों में यार घी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए, और अभी को बिल्कुल पसंद नहीं है घी। प्लेट लगा ली है और खाना आज हम लोग छत पे खाएंगे। तो रोटी का देख तो मैं हॉटपॉट जो ऊपर ही लेके चलूँगी, तो रोटी रखूँगी फिर मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और नाश्ता मैंने बना लिया है, पर नाश्ता हम लोग करेंगे छत पर, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज धूप निकली है, इसे थोड़ा छत पे ही चलते हैं, वहीं थोड़े बैठेंगे, क्योंकि फिर क्लास शुरू हो जाएगी तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। और वैसे भी ठंड से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ पर सूज जाते हैं बिल्कुल। चलती हूँ फिर थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ, उसके बाद फिर आऊँगी। मैं देख के घी वाला है, घी अंदर रोटी में। तो अभी बज रहे हैं 5:00 और मैं आ गई हूँ खेत घूमने, मतलब सब्जी लेने आ गई हूँ। यहाँ पे क्या है, चारों तरफ हम लोग ढेर सारी सब्जियाँ बोते हैं, बिल्कुल हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर। और ढेर सारी सब्जियाँ हमने लगा रखी है, मेथी है, आलू है, बैंगन, गोभी, मूली, सब कुछ है, मतलब धनिया उनिया सब कुछ मिल जाता है, गाजर उजर। तो बस सिर्फ आपको आलू प्याज लो और बाहर की सब्जियाँ अंदर ही मिल जाए। सब्जी लेने आए हैं, देखिए सच में देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, हरा भरा चारों तरफ। सहजन पर
हाँ आलू प्याज ये लोग सिर्फ अपने खाने के लिए मतलब बोते हैं, गाजर हो गया ये सब सिर्फ खुद के लिए रखते हैं, ये बेचते नहीं हैं ये लोग। बेचने में सिर्फ यहाँ पर बैंगन हो गया, गोभी है, मूली, पालक, मेथी, यही सब मिल जाता है। पर हरी सब्जियाँ तुरंत आपको सामने काट के मिल जाती हैं तुरंत खेत में से, इसलिए अच्छा रहता है हम लोग यहीं से ले लेते हैं। बाकी जो भी आलू प्याज वो सब बाहर से आ जाती है मार्केट से। तो वहाँ से आने के बाद मुझे मक्खन निकालना था, तो मलाई तो मैं पहले से ही फ्रिज में मतलब निकाल के मैं फ्रिज में से निकाल के गई थी ताकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका सही हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा रहता तो फिर वो निकलता नहीं है अच्छे से। और वैसे भी मलाई निकालना तो बहुत ही मुझे मुश्किल काम लगता है, पूरा हाथ गंदा हो जाता है, ऊपर से ठंड में तो और उसको छूना ही इतना ठंडा रहता है। पर इतना रहता है कि हाँ थोड़ा सा मेहनत लगती है भले, लेकिन आपको कम से कम शुद्ध घी मिल जाता है घर का, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता। क्योंकि बाहर से आप शॉप से लेने जाओ तो भले वो कितना भी उसको शुद्ध बताएं कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फिर भी उसका भरोसा नहीं रहता कि हाँ यार साफ़ है कि नहीं है। घर पे बना लो तो फिर आप एकदम निश्चिंत रहते हो कि हाँ घी हमारा एकदम साफ़ सुथरा और शुद्ध है। तो बस इसलिए मैं थोड़ी सी दिक्कत होती है पर मैं घर पर ही निकाल लेती हूँ, मार्केट से घी नहीं लेती हूँ, ताकि भैया साफ बढ़िया घी मिल जाए मुझे। और ये पूरी मलाई 1 महीने की है, मैं 10-10 दिन पे नहीं निकाल पाती हूँ। मैं 1 महीना पूरा, जब तक ये कटोरा पूरा भर नहीं जाता, मतलब पूरा भर जाता तभी मैं निकालती हूँ फिर। तो ये पूरा मतलब 1 महीने का है, तो इतना देखिए मक्खन उसमें से निकल गया। अभी एक बार मैं चलाऊँगी ही उसको, तो अच्छा दूध बढ़िया देते हैं ये जिनसे मैं लेती हूँ, तो अच्छा मक्खन निकल जाता है उससे। देखिए इतना मक्खन ये 1 महीने में निकला हुआ है, 1 महीने से अभी 2-4 दिन तो कम ही हुए होंगे, तो फिर अच्छा मक्खन निकल जाता है, तो अच्छे से आराम से बन जाता है घी घर पे ही। तो बस ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।